आज मैं आपको बताऊंगा फैक्टर सॉइल फॉर्मेशन के क्या मेन फैक्टर है जिससे सॉइल फॉर्म होती है। पहले सॉइल जो एक ग्रेनी सब्सटेंस है जो अर्थ के सरफेस को कवर करता है उसको हम सॉइल कहते हैं। जो सॉइल होती है ये क्लोजली लिंक्ड होती है अर्थ के साथ। अब जो मेन फैक्टर्स हैं सॉइल को जो फॉर्म करते हैं, जो मेन फैक्टर है सॉइल फॉर्मेशन के वो होते हैं पेरेंट रॉक्स। पेरेंट रॉक्स होते हैं वो ओरिजिनल रॉक्स जिनसे कुछ और चीजें बनती हैं। दूसरी मेन चीज क्लाइमेटिक फैक्टर, जैसे कि टेम्परेचर कितना है, परसेंट ऑफ रेनफॉल कितनी है और ह्यूमिडिटी कितनी है। ये भी ये दो चीजें ये मेन फैक्टर्स हैं सॉइल फॉर्मेशन के। कुछ और फैक्टर्स भी जैसे कि टोपोग्राफी। टोपोग्राफी होता है स्टडी करना अर्थ के सरफेस के शेप और फीचर्स के बारे में। कुछ और फीचर भी जैसे कि ऑर्गेनिक मैन्यूर है, ये सब जो है इसके इसमें मदद करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इनका भी बहुत ही मेन फंक्शन है इस सॉइल फॉर्मेशन में, क्योंकि जैसे ही कोई भी डेड एंड डिकिंग मैटर जो होता है इनको कंज्यूम करते हैं और सॉइल में उसको जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है उसको बढ़ाते हैं। तो उसकी वजह से जो हम क्रॉप्स हैं उनको ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण एक प्रयोग करते हैं सॉइल फॉर्मेशन में। वाहेगुरु जी का खालसा।